राम राम जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपने तो लगभग सभी चुनाव देखे हैं, कामकाज भी देखे हैं सभी पार्टियों के, क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? बात ये है ना, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि जो इस आदमी ने काम किया है उसको तो वोट डालेंगे, जिसने काम नहीं किया उसको वोट नहीं डालेंगे। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? नहीं, काम तो अच्छा हुआ, ऐसी भी बात नहीं, पर जो नौजवान तबका है, अरे वरा है, जो ऐसे घूम रहे हैं ना, उनको रोज़गार नहीं है। रोज़गार भी मिलना जरूरी है, ये नहीं पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। मुद्दा बनेगा इस बार? मुद्दा तो बन रहा है, आपके सामने होगा। आप तो घर घर जा रहे हैं। महंगाई कैसा होगा? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई की तो कमर हमारी भी टूट गई और आपकी भी टूट गई। सेंटर भी फेल है महंगाई में और स्टेट भी फेल है। ऐसे में वापसी कर पाएगी बीजेपी यहाँ पर? हाँ, हो सकता है वापसी आ जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बनेगी नहीं फिर? मुद्दा भी बनेगी, ऐसी नहीं बात, मुद्दा तो बनेगी। लोग देखेंगे भी क्या कर रहे हैं, जैसे भी एग्रीकल्चर दफ्तर हैं, यहाँ से ऊपर को ले गए या नीचे को ले गए, तो जो बूढ़े हैं या नौजवान हैं, लड़के हैं या वो वृद्ध जनानियाँ हैं, वो बाँस से उठा के इधर को लाएंगे, उधर से लाएंगे, तो कैसे? बस तो इधर से मिलेगी, नहीं मिलेगी। कांग्रेस कितना टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? कांग्रेस जो है ना, देखो इस वक्त नया कैंडिडेट है, दोनों राजपूत बरादरी के हैं, तो हो सके टक्कर होगी। वैसे ओवरऑल आपको लगता है कि बीजेपी वापसी कर सकती है यहाँ पर? हाँ, हिमाचल में नहीं बोल सकते, कुटराल कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ की बोल सकते हो आप। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार जी, कहाँ से आप? यहीं से लोकल ही हैं? नहीं, बात है। कहाँ से? यहीं से है ना आप? हाँ, इधर से। हाँ, हिमाचल से ही, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बताएं, आपके इलाके में कुछ काम धंधा हुआ कि नहीं? काम धंधा हमारा क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है, लोगों को डंडा दिया है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बताएं, तो डंडे में झंडा लगाकर ही ये जनता ही जाती है गाँव के पीछे? डंडे में झंडा लगा के यही जाती है, यही पार्टी आएगी। नमस्कार, प्रणाम जी, कैसे हैं आप लोग? आप तो उठ खड़े हुए, ऐसे मत कहिए, आ जाएं, आप भी आ जाएं, बैठ जाएं। मैं जी बताए, ओपीएस का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। नहीं, मुद्दा बनेगा आप लोगों के लिए या नहीं? मुद्दा है या नहीं? मैं पेंशन उठा दी, मैं नहीं बोल सकता कुछ। पेंशन ले रहे हो आप? पेंशन लेनी है मैंने, बस। सरकार जी, सर नहीं बोल सकता, साढ़े गुआंढी बंदे की बोलना है नाल कहीं जी। काम धंधा हुआ इलाके में या नहीं हुआ ये बता दीजिए बस। नहीं, काम तो हुए हैं, काम नहीं, काम तो होते रहते हैं। काम हुए हैं, कुछ भी लगता है कि 1% भी बीजेपी वापसी कर पाएगी यहाँ पर? नहीं, संघर्ष तो करेंगे दोनों पार्टी, जो भी है कंपटीशन हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई कंपटीशन होगा, काम भी आपको दिखता है यहाँ पर? काम भी हुए हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा इस बार? देखो, पब्लिक पर डिपेंड है, जो ठीक है ना, मंत्री तो अपने माथे उन्हें जोर लाया ही है, कोई ऐसी गल नहीं है, जो लगा हुआ है उनका। जी, आप तो गोल मटोल जवाब दे गए, झंडे गाड़ रखे हैं आपने तो? नहीं, झंडे गाड़ रखे हैं आपने तो? मैंने नहीं गाड़ा, मैं नहीं गाड़ता ना उखाड़ता किसी का, पक्की गारंटी है। हाँ, समझते हैं, कांग्रेस है ऊपर, है झंडे ऊपर कांग्रेस के हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, इसमें 5 साल के बाद चेंज होती है। पक्की गारंटी? पक्की। लो जी, इन्होंने फुली फाइनल कर दिया उन्होंने तो। भाई साहब, राम राम। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। मस्त है? मस्त है जी, मस्त है। इस बार रिवाज चेंज होगा या फिर सत्ता? सत्ता, सत्ता। लो जी, सत्ता चेंज करवा रहे हैं ये तो। भाई साहब, कुछ काम धाम भी हुआ है कि निकल गए 5 साल ऐसे ही? काम कौन सा सर, सरकार ने? जी जी जी, जरूर सरकार ने कोई काम नहीं किया, बड़े लोगों का, गरीब आदमी का कोई काम नहीं किया।
बीजेपी कह रही है कि काम, बीजेपी का कह रहा हूँ मैं, बीजेपी कह रही है कि काम इतने अच्छे कर दिए कि जनता को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या किया? वोट डलेगी हमारे नाम पर। क्या किया? सड़कें निकाली। मैंने क्या करना सड़कों का? जाल मेरे को सिलेंडर 1125 रुपए में मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा उसको? आप बताओ, सेंटर ही देख रहे हो। मैं क्या सेंटर क्या देखना है? सेंटर वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी यही हाल है। वो कह रहे हैं कि एम्स बना दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वंदे भारत ट्रेन चला दी। वंदे भारत ट्रेन में उसने जाना जिसके पास पैसा है। गरीब आदमी क्या कहाँ जाएगा? आप बताओ, मुश्किल है। मुश्किल है, मैं हैंडीकैप से हूँ, मेरा 60% सर्टिफिकेट है, मेरे को आज दिन तक पेंशन नहीं लगी। लगी नहीं आप? नहीं लगी। कांग्रेस भी चले गई। हम तो कांग्रेस भी गई है, आपने देखा है, उसमें भी लगी नहीं। कांग्रेस में के टाइम नहीं, आप फिर ही देख लेते हैं एक बार कांग्रेस को। काम बदलाव चाहते हैं, हर 5 साल बाद हिमाचल में बदलाव होगा ही होगा। फिर आम आदमी पार्टी से क्या दिक्कत है? कौन सी आम आदमी पार्टी? पार्टी तो पूछो ही मत, मैं पंजाब में रह के आया। आम आदमी पार्टी जो ट्रक लेकर आ रहे हैं, झाड़ू लेकर आ रहा, झाड़ू झाड़ू रोडों में फेरते रहे और क्या है, उनका क्या काम है झाड़ू को? पढ़े लिखे हैं वो, क्या दिक्कत है उनसे? पढ़े लिखे होंगे तो अपने लिए हैं, वो हमारे लिए खुड़े नहीं है। ये भी बताओ ना, आप पढ़े लिखे हैं तो क्या करना, जब काम ही नहीं होगा तो क्या होगा? मौका मिलेगा तभी तो काम करेंगे। तो हम इस बार कांग्रेस सरकार को देंगे भारी मतों से, फुली फाइनल। हाँ, देवेंद्र कुमार भुट्टो 15,000 वोटों से जीतेंगे। बताइए, ये तो एक दो वोटों से नहीं जितवा रहे, 15,000 वोटों जितवा रहे हैं भाई साहब। समय है, दो मिनट का समय है, क्या करना दे दो यार समय। क्या करना? पूछने आए हैं, कुछ काम धंधा हुआ आपके इलाके में? आपके MLA साहब हैं, दिखाई दिए हैं 5 सालों में या नहीं? यार मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे फ्रेंड हैं उधर, बोलो। अरे भाई, काम धंधा हुआ ये बता दो, आप बोलना नहीं है। मैडम, आपने कुछ कहना है? दो मिनट, आपने कुछ कहना है? क्या करते हो आप, स्टडी करते हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो? ये बताएं, एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए यहाँ पर हिमाचल में? किसकी है जॉब वगैरह की? और मेरे हिसाब से अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, स्टिल अभी तो क्या ही पता। दिमाग में होगा ना कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, इस फील्ड में जाना है मुझे आगे जाकर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो फिलहाल मतलब कोई आइडिया ही नहीं है, मतलब इस बारे में कभी। जो करंट गवर्नमेंट है कुछ कर पाएगी आप लोगों के लिए? करंट गवर्नमेंट है जो अभी नहीं, अभी तो मतलब बहुत से ऐसे एक्शन लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिए जाते, लिए भी जा रहे हैं, और मतलब पहले से तो काफ़ी बेटर है, वैसी बात नहीं है। पहले युवा अगर आपको वोट डालना हो तो आप क्या रहेगा आपके दिमाग में? मेरी अभी वोटिंग बनी नहीं है वैसे। बनी नहीं आपके? थैंक यू सो मच। मैडम, आपको कुछ लेना पॉइंट ऑफ व्यू ये बताएं, आप घर चलाती हैं, घर चलाना चूल्हा जलाना कितना सस्ता हुआ, महंगा हुआ, क्या हुआ? सर सस्ते महंगे की बात करें तो सरकार स्थिति के हिसाब से है, बाकी सरकार के हाथ में थोड़ी होती है ये सब बातें। ये तो आम जो बोलते हैं कि हाँ जी सरकार ने ये महंगा कर दिया, वो महंगा कर दिया, वो तो नहीं चाहते हैं कि आम जनता को कोई दुख हो, तकलीफ हो, या वो उनको गैस महंगी पड़े। सर इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है ना कि हमारे समय में 400 रुपये था सिलेंडर, आज 1100 के ऊपर चढ़ा गया, तो वो डायरेक्ट सर ये बहुत दिन थोड़ा किया सिलेंडर 1100 का अगर हो गया, ये तो जो पीछे से रेट आएंगे वही आगे जाएंगे ना आगे। गवर्नमेंट तो उनकी कंट्रोल तो उनको ही करना है, तो उनका है, लेकिन सर हम नहीं मान सकते हैं कि ये सरकार ऐसा करेगी जनता के साथ। आप मान ही नहीं सकते? नहीं मान सकते इस बात को। ये बताएं, बीजेपी वापसी कर पाएगी यहाँ पर? हाँ जी, बीजेपी है, अगर करेगी कुछ तो बीजेपी करेगी, कांग्रेस के हाथों में अब मैं नहीं मानती हूँ कि इसके, अगर कांग्रेस सरकार आ भी जाती है तो आम जनता को जो बेनिफिट्स बीजेपी के टाइम में मिले वो नहीं मिलेंगे इनको। ये बताएं, कांग्रेस कह रही है 1500 देंगे महीना महिलाओं को। हाँ सर ठीक है, मान लेते हैं अगर 1500 महीने देंगे तो अगर हम पूरे हिंदुस्तान की अगर जनता का भी कुछ कैलकुलेट करें, अगर एक लेडीज़ को हम महीने का 1500 देते हैं तो आप उसके हिसाब से लगा लो कितना पैसा जाएगा सरकार, तो उस हिसाब टैक्स आएगा। हाँ, टैक्स आएगा जाएगा वो उसी हिसाब से होता है, लेकिन अगर फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं सर। महंगाई बेरोजगारी क्या मुद्दा है? एक युवा जो है पढ़ा लिखा युवा, वो बेरोजगार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बेरोजगार है सर, हम मानते हैं, तो सरकार को अगर बीजेपी सरकार आती है तो फैक्ट्रियाँ लगाएं, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरियों की जरूरत है, उनको नौकरियाँ मिले। तो कांग्रेस तो ने पहले हमें क्या दे दिया, अगर कांग्रेस ही थी पहले इससे पहले तो उसने हमें क्या दे दिया। लगता है कि अगर वापसी करती है बीजेपी तो यहाँ पर फिर से कुछ भला कर पाएगी? थोड़ी अभी खराब लग रही है वो भी सुधर जाएगी, अगर कांग्रेस आती है तो जो सुधरा हुआ वो भी बिगड़ जाएगा, मेरा मानना तो ये है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपने तो झंडे लगा रखे हैं, झंडे पहले से लगा रखे हैं, भाजपा वाले हो क्या?
नहीं कांग्रेस झंडे आपने हाथ अच्छा हाथ का है, गलती हो गई हमसे। ये पक्के वाले हैं क्या? ये करो गलत हूं माता जी, पक्के वाले हैं। पक्के वाले क्या मतलब बच्चे? मैं कांग्रेसी पक्के वाले हैं। सी बच्चे सब ना नाल ही है आईने ना कांग्रेस आप लगा रखे हैं आपने झंडे तो हुन ला जांदे तो हुन क्या करना आई सब ना नाल ही है किसी और ने लगाए हैं आओ बच्चे मेरी बात बना मैं वीडियो सियाने आदमी माता जी ये बताएं पेंशन मिल रही है आपको? हां भी तो पेंशन मिलती है। कितनी मिलती पेंशन? 3 महीने मिलती, पहले 4500 मिलती थी, हुन खरा इस बारी 5500 मिलया। कितने मिले? 5100। पता नहीं हला हुन मैं देखने है। ये बताएं घर का चूल्हा जलाना अच्छा हुआ, महंगा हुआ, सस्ता हुआ, कैसा हुआ? ले घर दे चूल्हे तो गैस कनेक्शन तो हो गया 1170 दा सिलेंडर एक, सानू तो वो भी ना मिले वा जेड़ा चूल्हे मिले है कहंदे है लोगों नु मिले है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम आएंगे दोबारा तो सस्ते कर देंगे। सस्ते करेंगे तो वो तो जब देखे जाऊंगे जब होंगे सस्ते, इस टाइम तो महंगे ही है। महंगे है? हाँ इस टाइम थोड़ा नहीं 1170 रुपए का है चूल्हा, ही चूल्हे च बाली दी अग। भाजपा या कांग्रेस सब ठीक है बच्चा अपनी जगह। माता जी बड़े एकदम कुछ बोलेंगे नहीं। राम राम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक। बढ़िया, कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। एमएलए साहब देखे हैं या नहीं देखे? मैं देखे भाई, गाई इधर आते नहीं भगाना, मैं तो कम आते हैं। आती नहीं? कम बहुत कम। वोट ले लिए यानी अब आएंगे? पता नहीं, अब पता आने का कब रहेंगे कि नहीं रहेंगे कब। अब तो आना पड़ेगा। क्यों? अब तो उनको आना पड़ेगा ना। अब तो उनको आना पड़ेगा यहाँ पर। उनको तो आना पड़ेगा। ये बताएं वापसी कर पाएगी बीजेपी यहाँ पर? कौन क्या पता क्या कह सकते हैं। काम धाम हुए नहीं क्या? काम धाम तो देख ही रहे हो, हम इधर रहते नहीं है, कभी कभार आते हैं। कहाँ रहते हो आप? बद्दी रहते हैं, 4 दिन आना है इधर, क्या करना। बद्दी में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है बद्दी में? बद्दी में अपने इस पाई में रखते नहीं, ताल्लुक नहीं रखते हम। रखना नहीं है? हाँ रखना, कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है। सत श्री अकाल जी, यहीं लोकल ही आप? हाँ जी, यहीं लोकल का साहब ही है। क्या लगता है कुछ काम धाम हुआ आपके इलाके में? हाँ जी बथेरा काम हुआ है, गली बनी साड़ी है देखो, बथेरा काम हुआ, बथेरे काम हुए ने, हॉस्पिटल, शिक्षा, हाँ जी, स्कूल वगैरह। हाँ काफ़ी काम हुआ है। बीजेपी वापसी कर पाएगी इसमें? हाँ क्यों ना करेगी। कांग्रेस कह रही है कि सोई हुई थी सरकार 5 साल, कुछ काम ही नहीं किया, जो हमने शुरू किया वही किया इन्होंने। दूजिया ने काम कईयों नेर नहीं आते, ठीक गल कि नहीं, जो काम होंगे और नेर आते हैं। हम पार्क बनी है, कई काम हुए ने, हाँ साढ़े कई काम हुए ने, अ नहीं कह सकते साढ़े कोई काम नहीं होया। काम देखते हैं यानी। थैंक यू सो मच सर। भाई सत श्री अकाल जी। बाकी चल रहा काम वधिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी है तो पंजाब से ही रेंदे नहीं रेंदे, हिमाचल च ही आना है, पंजाब से रेंदे हिमाचल, क्योंकि अभी 10 साल हो गए इत्थे आ, हुण साडे जिहड़े काम सी ओह साडे सारे इत्थे होए आ, ठीक है। पंजाब का साडा कोई काम ही नहीं गा। वोट वगैरह है आपके? हैं वोट अजे नहीं गी, वोट बन जानी साडी। हां जी आपको लगता है कि अगर भाजपा फिर से आएगी तो जो काम रुके हुए वो कर पाएगी यहां पर? करवाएगी, जरूर करवाएगी। नमस्कार जी, राम राम। भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया मस्त। एमएलए वगैरह देखे हैं कि या फिर गायब ही रहे 5 साल? नहीं देखे हैं, हमारे लोकल बंदे हैं, देखे हैं उन्हें। काम किए हैं या फिर निकल गए 5 साल? काम किए हैं, काफ़ी काम किए हैं। वो कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई बहुत मुद्दा बनेगी इस बार। वो तो है ही है जी, बेरोजगारी तो है। वापसी कर पाएगी बीजेपी ऐसे में? मुश्किल ही है जी इस टाइम को, मुश्किल ही है। तो कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र कुमार भुट्टो। पक्की गारंटी है? भाई साहब आपके अभी कहना है? मैं तो फिर मैं यहाँ का। कहाँ के आप? मैं हमारे तो नदौन तहसील। हाँ कोई क्या दिक्कत है, हिमाचल से वहीं पे तो हिमाचल ही तो है। मैंने क्या बोलना है? नहीं है, आप एक यंगस्टर हो, युवा हो, आपके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पर? मेरे लिए तो कुछ भी मतलब, अगर आपने स्टडी की है तो आपको जॉब चाहिए थी, अगर जॉब नहीं करते हो तो एज ए है ना व्यापार शुरू करना था आपको, आपने तो कुछ तो हेल्प मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ मिलनी तो चाहिए। कुछ मिला है ऐसा? कुछ भी नहीं मिला। जो आने वाली गवर्नमेंट है या फिर कांग्रेस है या हमारी पार्टी, वो वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे युवाओं के लिए आएंगे, तो लगता है कुछ कर पाएंगे वो?
करेंगे अब पता नहीं अब आपने कुछ कहना नहीं है क्योंकि आपने एकदम कंट्रोवर्सी में बनना नहीं आपने। नमस्कार जी। नमस्कार, यहीं से लोकल ही आप? हाँ जी, हाँ जी लोकल। कुछ विकास वगैरह हुआ आपके इलाके का? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ। हाँ जी, हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर वगैरह हैं? हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस कह रही है जो काम हमने शुरू किए थे वो भी नहीं कर पाए, तो नहीं नहीं सारे काम हुए, क्यों नहीं हुए, बहुत काम। वापसी कर पाएगी ऐसे में बीजेपी? लगता तो है। थैंक यू सो मच। बाबा जी नमस्कार। महाराज जी, आपने सभी चुनाव देख लिए, बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, कौन सी पार्टी अच्छी लगी आपको? सब अच्छी पार्टी है, जो काम करेगी वो अच्छी है। जब सभी अच्छे हैं तो फिर उसको चेंज क्यों करना आपने? कौन, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं चेंज करना। नहीं, हिमाचल की जनता तो हर साल चेंज करती है, हर बार। नहीं, कोई नहीं करता चेंज। 5 साल में चेंज होता है यहाँ पर तो? कई साल हो गए, एक ही पार्टी चली है। अच्छा, एक ही पार्टी चली है। अच्छा ये बताएं ठीक है, अब कैसे हैं आप लोग? मैं नहीं बोलना कुछ। लोग नहीं नहीं ये बता रहे हैं, चूल्हा जलाना सस्ता हुआ, महंगा हुआ, कैसा हुआ? घर के जो खर्चे हैं, खर्चे तो बड़े हैं, बंदे की है वो भी बड़ी है, तो क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर पे सिलेंडर तो बड़ा, तो चूल्हा भी कौन जलाना चाहता है, सिलेंडर तो बढ़ेगा ही कहाँ से। मोरी जी की तरफ जो सिलेंडर मिले वो मिले आप लोगों को? नहीं, हमें तो नहीं मिले। आपको मिले क्या सिलेंडर? नहीं, हमारे को नहीं वाली चीज़ों में कोई नहीं मिलती है, वैसे पता नहीं कहाँ चली जाती है। हम वैसे लेनी है, मन तो करता है लेनी? नहीं, वैसे मन में नहीं करता है, पता क्यों नहीं करता है मन। हम किसी के तलबे नहीं चाट सकते हैं, उसके लिए हमें किसी के तलबे चाटने पड़ेंगे, ये दो वो नहीं करेंगे। और वैसे जो पंचायत में होते हैं उनको सबको पता है किसको किसकी जरूरत है, तो वो क्यों नहीं देखती फिर? सड़कें वगैरह अच्छी हैं वहाँ पर? हैं सड़कें तो अच्छी, सब कुछ अच्छा है, पानी वगैरह आ रहा है, सब कुछ। बताएं कांग्रेस कह रही है कि हम आए तो 1500 देंगे महिलाओं को पर मंथ, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब कांग्रेस एक सिलेंडर आ जाएगा महीने में? नहीं, सिलेंडर की तो बात नहीं, वो हम कर ही लेंगे हाथ फोन से कुछ भी। सिलेंडर की क्या ना, वो भी किया, हर एक जनानी को पेंशन लगा दी है, ठीक है ना, और बिजली का बिल जो फ्री कर दिया है, पानी का बिल जो वो फ्री है, तो फिर और क्या? वो तो और कह रहे ना, एक स्टेप आगे बढ़ गए वो। वो कह रहे ये तो मिल ही रहा है, हम 1500 और देंगे महिलाओं को। हाँ तो और देंगे तो और अच्छा है, जो देंगे तो। पर सवाल तो ये उठता है कहाँ से देंगे? वो तो इनकी, ये तो मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको पैसा देना, तो मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको बोलूँगा मैं आपको दूंगा, जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कहाँ से दूंगा, अगर उनके पास पैसा है तो दे देंगे। ये बताएं हिमाचल के ऊपर तो पहले से ही कर्जा बढ़ा हुआ है, ये तो उनको पता होगा, नहीं तो हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ रोटी खानी और जाकर सो जाना। ये तो पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कौन सी आने वाली है यहाँ पर? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कंट्रोवर्सी बढ़ना नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं पता कौन सी आगे टक्कर दोनों दिख। अगर काम के मुद्दे को देखा जाए तो कौन सी पार्टी ने काम किया यहाँ पर? कांग्रेस देखी नहीं है हमारे कुटलैंड में, हमारे टाइम में कांग्रेस आई नहीं है, हमने देखी नहीं है कांग्रेस। हाँ, बीजेपी देखी कांग्रेस, यहाँ बीजेपी देखी, बीजेपी देखी है। अब देखते हैं कौन करवाता है काम, कौन पार्टी आती है, कोई नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि टक्कर ठीक है इस बार। धन्यवाद जी। सस्ती वगैरह है या महंगी है? नहीं सर, सस्ती है अब तो। सस्ती चल रही है, जनता बोली कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे सस्ती है? नहीं, सस्ती क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? बीजेपी वापसी कर पाएगी यहाँ पर? देखो सर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब वक्त तो आपका है, नहीं पता, तो 5 साल बीत गए, अपना जोर लगा रही है, 5 साल बीत गए, 5 साल तो बीत गए, आप अपना जोर लगा रही है, जो आ जाएगा देखो आगे क्या होता। बोलना नहीं आपने, बोलने की बात नहीं है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। जी नमस्कार, राम राम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी। बताएं कुछ एमएलए वगैरह को जानते हैं यहाँ पे? जानते हैं जी। 5 साल में आए भी हैं यहाँ पे? नहीं, गाड़ी में घूमते थे। गाड़ी में घूमते हैं? हाँ जी। तो वोटे तो आपने दी थी ना? हमने दी थी, पर गाड़ी भी आप लोगों ने दी है? गाड़ी सरकार ने दी, उसको गाड़ी के नीचे उतरता नहीं था। सरकार कौन है? सरकार भी तो आप ही लोग हो, आपने बनाई हो तो बनी है। हाँ जी, हाँ जी। वापसी कर पाएंगे फिर? है, वापसी कर पाएंगे? मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है। मोदी जी कह रहे हैं एम्स खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, आप क्या चाहिए? कौन जानता है, गरीब आदमी कौन जानता है मेडिकल क्या खोला है क्या नहीं खोला है, हमें तो बराबर ही है, बिलासपुर भी उतना ही है, चंडीगढ़ भी उतना ही है।
उधर ही हैं। 3 घंटे 3.5 घंटे चंडीगढ़ को लगते हैं, 3.5 घंटे बिलासपुर को लगते हैं। कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, वापसी नहीं कर रही। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, क्या लगता है एज ए यंगस्टर आप युवाओं के लिए क्या कुछ किया गवर्नमेंट ने? पता ही नहीं है। धन्यवाद सर। बाबू जी राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया। मिठाई काट के रख लो आप, आ रहे हैं फिर। कुछ काम धाम हुआ इलाके में? काम क्या हुआ, काम तो काम तो ठीक ही है। वापसी कर पाएंगे बीजेपी वाले? क्या गलाई सकते साहब हूँ। क्या गलाई सकते जाना, कुछ काम हुए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आमने सामने टक्कर है, पता कोई नहीं। आमने सामने टक्कर है। हाँ जी, धन्यवाद जी आपका।